विलियम कैरी एक समाज सुधारक। भारत में बहुत से समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने सक्रिय रूप से समाज सुधार का कार्य किया, लेकिन हमने इस क्षेत्र में अग्रणी एक महान सुधारक को मानो भुला दिया है और ना ही हमारी इतिहास की पुस्तकों ने इनके समाज सुधार में किए गए सहयोग को प्रकाशित किया है। विलियम कैरी ही थे जिन्होंने भारत के लोगों की जीवन दशा को ही परिवर्तित कर दिया। वे केवल ईसाई धर्म प्रचारक ही नहीं थे बल्कि वे एक वनस्पति शास्त्री, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ मानवतावादी, जनसंपर्क के अगुए, कृषि वैज्ञानिक, अनुवादक, शिक्षा शास्त्री, पुस्तकालयों को आरंभ करने वाले संरक्षक, महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले समाज सेवक, नैतिक सुधारक तथा सांस्कृतिक बदलाव लाने वाले महान पुरुष थे। इन्हें आधुनिक अभियान के जनक तथा भारत के प्रथम सांस्कृतिक मानव वैज्ञानिक के रूप में माना जाता है। उनकी शिक्षाओं, अनुवादों, लेखों तथा प्रकाशनों तथा उनके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों ने वास्तव में समाज को बहुत प्रभावित किया था। इस प्रकार वे भारतीय समाज में उल्लेखनीय सुधार लाए। यह समय भारत के लिए एक नए मोड़ के समान था जिसने भारत की गिरती हुई सामाजिक दशा को ऊपर उठाने का कार्य किया। 1700 ईस्वी के अंतिम तथा 1800 ईस्वी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में एक निश्चित सामाजिक वर्ग के बच्चों को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी और यह शिक्षा भी मूल रूप से गणना और हिंदू धर्म पर आधारित थी। केवल ब्राह्मण और लेखक वर्ग ही पढ़ सकते थे और अन्य सभी पूरी तरह से अशिक्षित थे। सन 1794 में कैरी ने स्वयं की लागत पर एक विद्यालय खोला जिसे पूरे भारत में पहले प्राथमिक विद्यालय के रूप में जाना जाता है। जिस समय में भारत में स्त्री शिक्षा के रूप में कोई सोचता भी ना था, उस समय उन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों को भी शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया। कैरी ने कुछ सामाजिक बुराइयों जैसे सती और शिशु हत्या के विरोध में कार्य आरंभ किया। मार्च 1799 में एक दिन जब कैरी कलकत्ता से लौट रहे थे तो उन्होंने पहली बार देखा कि एक विधवा स्त्री को उसके पति की मृत्यु पर उसके शव के साथ जिंदा जला दिया गया। उस समय से उन्होंने हर तरह की कोशिश करी भारत और इंग्लैंड में जब तक कि ये दर्दनाक प्रथा कानून के द्वारा खत्म नहीं कर दी जाए। अपने साथियों जॉन मार्शमन और वॉट के साथ कैरी ने सरकार का ध्यान सती प्रथा की ओर दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति का समर्थन मिलने से उन्हें सती प्रथा समाप्त करने की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दी। कैरी ने शिक्षित हिंदू पंडितों की सहायता से, जो गवर्नर जनरल के विद्यालय कलकत्ता से संबंधित थे, हिंदू पवित्र पुस्तकों से वो भाग निकाला जहां से ये प्रथा ली गई थी। इन खोजों से पता चला कि सती प्रथा एक पूर्ण प्राप्ति का माध्यम है, न कि ऐसी कोई आज्ञा है जिसकी पालन करना आवश्यक हो। आने वाले वर्षों में उनके लगातार संघर्षों ने सती प्रथा को समाप्त करने का रास्ता दिखाया। कैरी और उनके साथियों ने लगातार संघर्ष किया और उनके भारत में रहने वाले अंग्रेजी मित्रों ने हर महीने इस प्रथा पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान किया। आखिरकार 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बैंटेक ने यह आदेश दिया कि सती प्रथा एक गैर कानूनी और आपराधिक प्रथा है। कैरी ने भारत में मजदूरों, मोची तथा इस तरह के लोगों को बहुत करीब से देखा था। विलियम कैरी ने भारतीयों के सामाजिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान दिया। कोई भी सामाजिक समस्या जिसकी जड़ें वहां की नैतिक व सामाजिक संस्कृति से जुड़ी हो, उनको कानूनी तरीके से समाप्त करना आसान नहीं। कैरी ये समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन नहीं किया बल्कि उन्होंने अनैतिक जड़ों को बाइबल की शिक्षा द्वारा तथा महिलाओं को शिक्षित करके हटाया।
लॉर्ड वेलेस्ली के आग्रह करने पर कैरी ने शिशु हत्या पर सर्वेक्षण किया और एक विवरण हत्याएं जो धर्म के बहाने हुई पर दिया। इस विवरण की वजह से वेलेस्ली ने एक 1802 में अधिनियम निकालकर शिशु हत्या को बंद कर दिया। विशाल मंगलवादी के अनुसार कैरी ने भारत को एक विदेशी देश की तरह नहीं देखा जिसे शोषित किया जाए, पर अपने स्वर्गीय पिता की भूमि के नजरिए से देखा जिसे प्यार किया जाए और बचाया जाए। कैरी ने अपनी मृत्यु तक भारत में 41 वर्ष बिना छुट्टी लिए हुए बिताए और उन्होंने बाइबल अनुवाद को शिक्षा और समाज सुधार के लिए एक मजबूत आधार बना दिया था। हमारे भी यही पवित्रता होनी चाहिए कि हम समाज की समस्या को अनदेखा ना करें बल्कि सत्य के लिए आखिरी समय तक संघर्ष करें। दोस्तों, संसार या चाहे हम भारतीय कैरी के कार्यों को भूल जाएं जो परमेश्वर और भारतीय के प्रेम की वजह से भारत आए थे, लेकिन स्वर्ग और स्वर्ग का परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो एक मनुष्य नहीं है बल्कि परमेश्वर है।